नमस्कार, सच कहूं पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। नज़र पाउंदे हां देश दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों से सवेरे 7 बजे तो शुरू हुई वोटिंग, मतदान केंद्रों पर कड़ी रही सुरक्षा। सूबे के 5 बजे तक करीब 55.68% होया मतदान। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर वोटिंग जारी। सुकमा में नक्सलियों ने पोलिंग बूथ से बाहर किया हमला। मतदान रोकने के लिए नक्सलियों ने की फायरिंग। दिल्ली एनसीआर में वधदे प्रदूषण की समस्या से सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एससी ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को पराली साड़न के मामले से तुरंत बंद करने के दिए सख्त आदेश। सोम ग्रुप के 50 ठिकानों से आयकर विभाग ईडी की सब तो वड्डी रेड। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई शहरों में सर्चिंग कंपनियों के अफसरों तो की जा रही कार्रवाई। कई अफसरों से डिगेगी गाज, कितने जरूरी दस्तावेज किए जा रहे जब्त। IIT कानपुर करवाएगा दिल्ली में आर्टिफिशियल बरसात। जहरीली हवा देना मिलेगी निजात। उत्थे यूपी में दिवाली तक बरसात के असार। 122 साल बाद नवंबर सब तो ज़्यादा रहा गर्म। हरियाणा के 4 जिलों में 5वीं तक स्कूल बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर के बाद जींद में सरकार ने आदेश किए जारी। हवा प्रदूषण की वजह से लिया सरकार ने फैसला। बच्चों को घरों में रहने की की अपील। नेक्स्ट। हिमाचल में हल्के तो बारिश और बर्फबारी के असार। 9-10 नवंबर को सूबे में होया येलो अलर्ट जारी। ज़्यादा उच्ची चोटियों पर डिगेगी बर्फ। टूरिस्ट को गर्म कपड़े लियाने की सलाह। हरियाणा के जिला भिवानी के महेंद्रगढ़ में अवैध पटाके पकड़े। मेडिकल स्टोर के दिवाली से बेचने लिए किए गए सन स्टोक। शहर थाना पुलिस ने आरोपी समेत पटाकों को कब्जे में लेकर अगली जांच की शुरू। पंजाब दिल्ली के एयरपोर्टों की बधाई गई सुरक्षा। की गई डबल अतवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद BCAS ने लिया वड्डा एक्शन। SI हवाई अड्डे प्रवेश पास से लगाई गई रोक। पटना में 10,000 आंगनवाड़ी कारकुनों को पुलिस ने बरसाइया लाठियां। सरकारी कर्मचारी का दर्जा और मानदेय 5 गुणा वधाने की कर रहे सन मंग। विधानसभा घेरन निकली तो पुलिस ने खदेड़िया। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ज़्यादा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर टाइप करो सच कहूं पंजाबी चैनल।